में बनने जा रहे हैं थेपले, जो कि हम गुजराती थेपले खाते हैं ना, पैकेट्स भी लाते हैं, तो ये थेपले मैं बना रही हूँ। ट्रैवलिंग पर जाना हो ना हमें, वैसे ही थेपले मैं बना रही हूँ। और इसी डोसे हम बनाएंगे खाखरे, तो एक ही डोसे मैं थेपले भी बना रही हूँ, खाखरे भी बना रही हूँ। आइए बनाते हैं थेपले और खाखरे दोनों। हमने लिया है गेहूं का आटा और बेसन, दोनों लगभग बराबर लिए हैं। इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ी कसूरी मेथी, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी हींग, नमक स्वादानुसार। अब हम डालेंगे इसमें ऑयल, ऑयल इतना डालेंगे कि ये अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमारा आटा भुरभुरा हो जाएगा। इस तरह से आटा हमारा बिल्कुल भुरभुरा हो गया। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से डालने से ना उसकी खुशबू अच्छी तरह से हो जाती है। थोड़े से सफ़ेद तिल, एक चम्मच हम डाल देंगे दही का, मतलब पूरा 1 टेबल स्पून दही हम डालेंगे इसमें। और मोयन डालने से जो हमारा आटा है ना वो ऐसा हो गया, ये देखिए। अब इसमें हम थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल के इसको टाइट टाइट गून लेंगे। ये एकदम टाइट टाइट है ना, हमने इसका डो बना लिया। इसे हम अब गीले कपड़े से ढक के रख देंगे। ये देखिए बिल्कुल टाइट डो बन गया हमारा। जो थेपले का आटा लगाते हैं ना, तो हम इसमें गार्लिक, अदरक का पेस्ट ये भी डाल सकते हैं। इसे हमने लगभग 10-15 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढक के रख, 15 से 20 मिनट हो गए हैं इस आटे को रखे हुए। ये देखिए इसे हम थोड़ा सा चकले पर इस तरह से मटार लेंगे। छोटी छोटी लोई बना के, बॉल बना के बिल्कुल पतले पतले थेपले बेल लेंगे। देखिए इतने पतले हमने इनको बेल लेना है। ये देखिए थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा तेल लगा के, और उसके बाद इसको पोंछ लेंगे कपड़े से। और अब हम इस पर ये हमारे थेपले सेकेंगे। इस तरह से ना थोड़ा सा हाई मीडियम फ्लेम पर तो हम बना रहे हैं थेपले, और इन्हीं थेपलों को हम और थोड़ा सा पतला बेल लेंगे, और बिल्कुल धीमी आंच पर यदि सेकेंगे ना तो यही खाखरे भी बन जाएंगे। ये देखिए ये बनाए हमने थेपले, जो कि बिल्कुल एकदम नरम नरम बने हैं, हम सफ़र में भी ले जा सकते हैं। अभी इसी आटे के हम बना रहे हैं खाखरे। खाखरे बनाने के लिए ना हमने लोई थोड़ी और छोटी ली, और इसे एकदम पतला बेलेंगे। ये देखिए बिल्कुल पतला बेला है हमने, और इसे हम धीमी धीमी आंच पर सेक लेंगे। एक ही डोसे थेपले और खाखरे, दो चीज जो हमने बना ली है। इसे आप अचार के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, मियोनी के साथ खाइए, जिसके भी साथ खाओगे ना टेस्टी ही लगेंगे। ये थेपले सफर में भी बहुत अच्छे रहेंगे, और ब्रेकफास्ट में भी बढ़िया रहेंगे। और खाखरे ये देखिए कितने क्रिस्पी खाखरे बने हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एकदम क्रिस्पी खाखरे बने हैं मुझे, ये देखिए। हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे लगे ये थेपले आपको? खाखरे भी बनाओ और थेपले भी बनाओ। रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।